मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत न बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा। तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौर खान, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत का नाम ज़्यादा फेवरेट के तौर पर सामने आ रहा है। आपको बताएं, मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा। तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान के नाम सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत का नाम ज़्यादा फेवरेट के तौर पर सामने आ रहा है। नामों का हतमी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा शाहिद चौधरी, हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताएगा हतमी नाम कब तक सामने आएगा। हाँ जी बिल्कुल, मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर ऑपोजिशन लीडर कौन होगा, इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया है। बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान के नाम जो है वो सामने आ गए हैं। शेर अफजल मरवत का नाम ज्यादा फेवरेट के तौर पर सामने आया है। ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए पीटीआई के अंदर ही अहम शख्सियात जो है वो सरगर्म है। वो चाहते हैं कि एक सरगर्म किस्म का जो है वो ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए, जो कि तमाम तर बातों पर बानी पीटीआई के हवाले से जो है मौकफ सामने रखे। इस हवाले से नामों का हतमी फैसला जो है वो बानी पीटीआई ही करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर बैरिस्टर गौहर खान, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान के नाम जो हैं ऑपोजिशन लीडर के तौर पर सामने आए हैं।